वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। सर कैबिनेट की बात करें तो जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक्सरसाइज ड्यूटी में कटौती की थी। जी हाँ, लेकिन बावजूद उसके पेट्रोल और डीजल की समस्या खत्म नहीं हुई है। जहाँ मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में आए दिन ईंधन के रेट बदलते हैं, वहीं दूसरी ओर भोपाल में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखी जा रही है। किल्लत का कारण है तेल कंपनियों द्वारा तेल की आपूर्ति सही से करना। पेट्रोल पंप पर डीलरों का कहना है कि तेल कंपनी पूरे भुगतान के बाद भी तेल की आपूर्ति नहीं कर रही है, वो सिर्फ 50% तेल आपूर्ति कर रही है। इस कारण भोपाल के 152 पेट्रोल पंप में 12 सोमवार को सूखे पाए गए। पेट्रोल की इस किल्लत के कारण लोगों को यहां से वहां भटकना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव और सोयाबीन की बुआई है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ेगी। इस मामले में तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें डीजल में 23 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल में 16 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। तो वहीं आज मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत में उछाल देखा गया है। इस लिस्ट में बड़वानी, भिंड, छतरपुर, दतिया, देवास, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, मंडला, रायसेन, राजगढ़, सागर, शहडोल और विदिशा शामिल है। आज प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 109.63 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 94.83 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। अनूपपुर, रीवा और शहडोल में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक है। उज्जैन, सिंगरौली, शाजापुर, सीहोर, रतलाम, नरसिंहपुर, मुरैना, झाबुआ, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, दमोह, भोपाल और अशोकनगर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए के आसपास है। ये था आपके अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बन रही है वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।